सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद कैसे रैंक निकालेंगे, इस सभी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में आए हैं पहली बार और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। आप मेरे साइट पर भी विजिट कर सकते हैं और उसका लिंक जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है www.maclasses.in। आप उस पर जाकर के मेरे साइट पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप एक बार मेरे साइट पर जरूर विजिट करें। मेरे फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स जो है वो एक खास प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। कौन सा प्रॉपर्टीज है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पार्टीशन कर दे रहे हैं और यहाँ पर एक पार्टीशन कर देते हैं इस तरीके से। तो आप देखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स बन गया, ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया, और ये जो है वो जीरो मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पर भी ये जीरो मैट्रिक्स बन गया और ये भी एक जीरो मैट्रिक्स बन गया। किस फॉर्म में आ गया है ये, आप अगर लिखना चाहें इसको, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, थ्री रोज है इसमें और थ्री कॉलम है। तो ये आई थ्री लिख सकते हैं, ये थर्ड ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया। एक जीरो मैट्रिक्स ये बन रहा है और जिसमें से कितना रो है, थ्री रोज है एंड टू कॉलम्स है। तो जीरो मैट्रिक्स बन गया 2x3 ऑर्डर का, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स बन गया। जीरो मैट्रिक्स वन रो है एंड थ्री कॉलम्स है, तो ये 1x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स बन गया। और ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ये 1x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स लिखे थे हम लोग, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, एक यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ जीरो मैट्रिक्स, यहाँ जीरो मैट्रिक्स, यहाँ जीरो मैट्रिक्स। इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन मैं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स यही होता है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख सके, जहां पर एक यूनिट मैट्रिक्स होगा, इसके साथ में ये जीरो और ये जीरो और ये भी जीरो मैट्रिक्स होगा, तो इस फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसी को नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, चलिए उसको देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया गया है, इसको देखिए। बाय अप्लाइंग सक्सेसिव एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी कैन रिड्यूस एनी मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर इन वन ऑफ द फॉर्म्स। क्या कर रहे हैं हम लोग, सक्सेसिव एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं। देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स या HLM फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है और वो आर रैंक का मैट्रिक्स है, जहां आर ग्रेटर देन जीरो है, वन या वन से अधिक रैंक का अगर कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसमें हम लोग सक्सेसिव एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर यूज करते हैं तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में, या तो यूनिट मैट्रिक्स आई आर बना सकते हैं, आई आर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, और वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो मैट्रिक्स को, तो या तो आई आर में रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए को जिसका रैंक आर है, या इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं जो मैं भी एग्जाम्पल में बता रहा था उस फॉर्म में, या ऐसा हो सकता है आई आर और जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर है, या आई आर ऊपर में और जीरो मैट्रिक्स नीचे रहे। तो इसमें से किसी भी फॉर्म में अगर रिड्यूस कर देते हैं मैट्रिक्स ए को, तो इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं, इट्स कॉल्ड इट्स नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। मैट्रिक्स ए का ये नॉर्मल फॉर्म कहलाता है या कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। तो ये लाएंगे कैसे, एलिमेंट्री
ऑपरेशन अप्लाई करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम लोग इस फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें से कुछ एग्जांपल देखते हैं। आइए, हम तो आप समझ रहे हैं कि आरएफ ऑर्डर का ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। इसके बारे में मैं एग्जांपल अभी बता चुका हूं इस फॉर्म में। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में जरा समझिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है, उसको ऐसे लिख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ दो रो है, जीरो रो है, मान लीजिए ऐसा है। तो ये यहाँ पर पार्टीशन कर दीजिए। ये पार्टीशन अगर कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये ऊपर हो गया I3, थर्ड ऑर्डर का ये यूनिट मैट्रिक्स है, और ये क्या आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये भी नॉर्मल फॉर्म हो गया। या फिर आप ऐसा समझिए, मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां पर मान लीजिए 0 0 0 है ये। तो इसको अगर पार्टीशन कर दें तो देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया, ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया I3, और यहाँ पर क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिए। तो ये सभी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में चार फॉर्म हो गया, या तो वो IR हो सकता है, या यहाँ पर IR जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है, या हो सकता है IR और यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स होगा, या हो सकता है ऊपर में IR और नीचे जो है वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सभी में से किसी भी एक फॉर्म में अगर आ जाता है मैट्रिक्स, तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। और एक सबसे मजेदार चीज इसमें है कि अगर इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिए तो इसका रैंक बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। इसका रैंक जो होगा वो आर होगा। IR यूनिट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, चाहे देखिए यहाँ पर भी IR है, यहाँ भी RH ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ भी RH ऑर्डर का, यहाँ भी RH ऑर्डर का, तो ये सभी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, आर। जिस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर आता है वही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। जैसे आप अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स जो है वो थर्ड ऑर्डर का है, यहाँ भी यूनिट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है, इसका भी रैंक क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग रैंक निकालने के लिए हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी मैट्रिक्स को। नॉर्मल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो रैंक निकालना बड़ा आसान हो जाता है। जो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उसका रैंक हो जाता है। तो अब कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, चलिए उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन को समझिए। इस मैट्रिक्स को देखिए, इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, जरा इसके बारे में समझिए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, इस एलिमेंट को 1 लाना पड़ेगा। ये जो एलिमेंट है 1, ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, तो हम लोग को 1 लाने की जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे वाला एलिमेंट को 0 ले आएंगे, 1 के नीचे जो एलिमेंट है ये सभी को 0 लाएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद। तो कैसे ये 0 आएगा, आप जरा समझिए। फर्स्ट रो को 0 का त्यों रहने दीजिए, 1 2 1 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 2 6 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4 आ रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर -2 आ रहा है, और यहाँ पर तो 2 ही रह जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस रो में, तो ये 0 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, 5 2 10, 6 में 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं -2, 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर -4 हो गया, ये -2, और यहाँ पर तो 2 ही रह जाएगा। ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 0, और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, -1 और फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, और -3 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3। तो क्या क्या ऑपरेशन किए हैं, कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं वो लिख रहे हैं। देखिए सेकेंड रो में हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, फिर सेकेंड थर्ड रो में हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं थर्ड रो -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, फिर हम लोग फोर्थ रो में वर्क किए हैं 5 टाइम्स R4 में 5 टाइम्स ऑफ R1, और R5 में हम लोग वर्क किए हैं
R5 - R1। तो जो यहां पर वर्क किए उसको लिख दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये सब एलिमेंट को जीरो ले आए, वन के नीचे वाला एलिमेंट को जीरो लाने के बाद वन के राइट साइड में जो एलिमेंट है इसको जीरो लाना है। तो ये कैसे जीरो लाएंगे, यहाँ कॉलम ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट कॉलम को आप ज्यो का त्यों रख दीजिए, ये ज्यो का त्यों रखते हैं और टू से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में टू से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही रह जाएगा, यहाँ पर भी ये सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये जीरो आ जाएगा, -2 में जीरो सब्ट्रैक्ट करने पर -2, ये जीरो, ये -2, ये -2 और ये ऑलरेडी जीरो है, इसमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जीरो का त्यों रख दीजिए। तो क्या क्या वर्क किए हम लोग, यहाँ पर हम लोग किए हैं कॉलम में वर्क किए हैं, सेकेंड कॉलम में 2 times ऑफ फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट किए हैं और थर्ड कॉलम में डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये जब 1 आ गया, 1 के नीचे 0 ले आए, 1 के राइट साइड में 0 ले आए, उसके बाद डायगोनली चलेंगे, इस एलिमेंट को 1 लाना है। इस एलिमेंट को 1 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग -4 से डिवाइड करके भी ला सकते हैं, लेकिन डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा और फ्रैक्शनल नंबर को फिर हम लोग जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिक्कत होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए बिना डिवाइड किए, अगर आ सकता है तो बिना डिवाइड किए हम लोग लाएंगे। तो ऐसा कीजिए, ये दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, इस रो को यहां ले आते हैं, इस रो को यहां ले आते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा समझिए इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता है, इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट है और इज इक्विवेलेंट टू। अब देखिए क्या वर्क कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो को ज्यों का त्यों रखिए 1 0 0 0, सेकेंड रो और लास्ट रो जो फिफ्थ रो है उसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये चला जाएगा यहाँ पर 0 1 -2 -3, ये देखिए 0 1 -2 -3 वहां चला गया और ये ज्यों का त्यों रहेगा 0 -5 0 5 और फिर ये भी ज्यों का त्यों रहेगा 0 -4 -2 2 और ये वाला यहां जाएगा तो अब यहां पर आ जाएगा 0 -4 -2 2। तो क्या वर्क हुआ है, हम लोग अप्लाई किए हैं R2 को और R5 को इंटरचेंज किए हैं। अब जब ये 1 आ जाएगा तो इसके नीचे वाला एलिमेंट को हम लोग 0 लाएंगे। कैसे 0 लाएंगे, कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, देखिए फर्स्ट रो तो ज्यों का त्यों, फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेकेंड रो भी ज्यों का त्यों, ये भी कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 5 में ऐड करेंगे तो -10 यहां पर भी आएगा और 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 2 8 -8 और -2 ऐड करेंगे तो -10, 4 3 -12 को 2 में ऐड करेंगे तो -10 और यहां पर भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -8 और -2 -10। यहां पर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 और 2 में ऐड करेंगे -10। तो ये क्या वर्क हो गया, हम लोग यहाँ पर वर्क किए हैं और थर्ड में, थर्ड रो में हम लोग फिफ्थ टाइम्स ऑफ सेकेंड रो को ऐड किए हैं और फोर्थ रो में भी, फोर्थ रो में 4 times ऑफ सेकेंड रो को ऐड किए हैं और फिफ्थ रो में हम लोग क्या किए हैं, फिफ्थ रो में भी 4 times ऑफ सेकेंड रो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको 0 लाएंगे, इसको 0 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 0 जो कहते हो, सेकेंड कॉलम 0 1 0 0 0 ये भी जो कहते हो, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा -10 -10 -10। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0
ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर -10, -10 और -10। तो क्या वर्क हुआ है, हम लोग काम किए हैं, थर्ड कॉलम में वर्क हुआ है और थर्ड कॉलम में हम लोग 2 times of second column को ऐड किए हैं, फोर्थ कॉलम में वर्क हुआ है और फोर्थ कॉलम में हम लोग ऐड किए हैं, क्या ऐड किए हैं हम लोग फोर्थ कॉलम में 3 times of second column। अब ये जब जीरो आ गया तो उसके बाद इसको वन लाए, तो इसको वन लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 10 से -10 से डिवाइड कर सकते हैं, शुरू में -10 से डिवाइड करने पर फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए -10 से, 0 1 0 0 ये दोनों रो को सेव रखते हैं और -10 से डिवाइड करते हैं 0 0 1 1। आप इसमें भी -10 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ भी कर दीजिए क्योंकि नंबर यहाँ पर सेम है। तो हम लोग क्या क्या वर्क किए हैं, हम लोग थर्ड रो में काम किए हैं, थर्ड रो में -1/10 × R3, फोर्थ रो में काम किए हैं -1/10 × R4 और फिफ्थ रो में काम किए हैं -1/10 × R5। अब हम लोग क्या करेंगे, वन के नीचे वाला एलिमेंट को जीरो लाएंगे, तो कैसे लाते हैं आप यहां पर देखिए, इज इक्विवेलेंट टू, देखिए आप इसको जीरो लाएंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो और थर्ड रो ये बिल्कुल सेम रहने दीजिए, 1 0 0 0 0 1 0 0 और उसके बाद है 0 1 1 0 0 1 और 1। अब इसको जीरो लाएंगे तो डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 0 0 0 हो जाएगा। तो क्या काम किए हम लोग, यहाँ पर हम लोग किए हैं, ये नंबर है फोर्थ रो, तो फोर्थ रो में हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं थर्ड रो को और फिफ्थ रो में भी सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं थर्ड रो को, फिफ्थ रो में भी हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं थर्ड रो को। अब ये एलिमेंट को जीरो लाइए, तो ये कैसे लाइए आप देखिए, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को ज्यों का त्यों रखिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है, इसमें 0 1 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0 1 0 0 और फिर इस कॉलम में, इस फोर्थ कॉलम में थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0 0 आ गया। तो क्या किए हम लोग, यहाँ पर फोर्थ कॉलम में सब्ट्रैक्ट किए हैं थर्ड कॉलम को। अब देखिए ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, अगर हम लोग यहाँ पर पार्टीशन कर दें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया थर्ड ऑर्डर का I3, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया और यहाँ यूनिट मैट्रिक्स जो है वो थर्ड ऑर्डर का है, इसीलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जो यहाँ ऑर्डर होता है यूनिट मैट्रिक्स का वही रैंक हो जाएगा मैट्रिक्स ए का। तो फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं और इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे निकालते हैं प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः फिर से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।